हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस एज वेल एज हमें इन दोनों में से किस में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ओके, उसके रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो काफ़ी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे और आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हमेशा फ़ायदा होता रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट इससे पहले एक और शायद चीज़ बताना चाहता हूँ, पेटीएम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ओके, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ वायलेशन किया है पेटीएम ने, जिस वजह से वो गूगल प्ले स्टोर से हट गया है और काफ़ी 60 लाख कस्टमर्स पेटीएम के हैं, तो उससे कुछ इन्वेस्टर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आइए उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि ICICI, HDFC, कोटक बैंक, ओके, या फिर बजाज फिनसर्व, ये जो अपना फाइनेंस सेक्टर का रिलेटेड है, तो ये और SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ओके, और क्यों हमें किस में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस चीज़ से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो आइए पहले पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब कि गवर्नमेंट बैंक को ले लेते हैं, ओके, गवर्नमेंट बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का एक बार हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, नो डाउट 15 रुपये का शेयर 192 पे चल रहा है और कितने साल बाद आपको भी वो भी पता है, लगभग 20-21 साल हो गए, तो इसी लेवल पर चल रहा है, ओके, और इसका मैक्सिमम 363 था, ओके, और जो ये मार्च में जो पेंडेमिक में गिरा, जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं 150 के आसपास ही आपको शेयर मिल रहा था और अभी भी 192 यही इसका प्राइस हुआ है। वन डे का चार्ट पैटर्न देखिए, 5 डे का देखिए, 1 मंथ का देखिए, 6 मंथ का देखिए, ईयर टेल डेट का देखिए, सब नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेते हैं, 5 डेज का देख लीजिए, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टेल डेट, 1 ईयर, ओके, इस तरीके का चार्ट पैटर्न। मैक्सिमम भी देख लीजिए, ओके, 10 रुपये का शेयर प्राइस था और 21 साल बाद भी 45 का है। ऐसे ही कैनरा बैंक देख लीजिए, 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, ओके, 1 ईयर में देखिए कहाँ पर ये 200-250 रुपये में चल रहा था और पेंडामिक से पहले भी ये लगभग इतने में ही 139, तो पेंडामिक से पहले भी ये शेयर गिर रहा था। तो और मैक्सिमम देख लीजिए कि मैक्सिमम किस तरीके से 2002 में 48 रुपये और अब 98। तो और इसके अलावा ये तो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके अलावा ICICI बैंक देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करता हूँ सीधा, 4 रुपये का शेयर, 368 और मैक्सिमम की बात की जाए तो लगभग 550-600 रुपये। HDFC बैंक मैक्सिमम देख लेते हैं, 5 रुपये का, 21 साल बाद लगभग 1400-1500 रुपये, मतलब 1300 रुपये तक ही हाइएस्ट गया है। कोटक बैंक देख लीजिए, मैक्सिमम देख लेते हैं, 2 रुपये का शेयर, ओके, 19 ईयर्स में कितना 1281 और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 1700 रुपये के आसपास ये शेयर गया है। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस है कि इन दोनों बैंकों में इतना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक बड़े भागते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक भागते ही नहीं है। तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, सिंपल, आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे, ओके, आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, SBI में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं, कैनरा बैंक में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं आप, ओके, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक से गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं सारे के सारे, तो गवर्नमेंट बैंक्स ऑलरेडी पता ही है इन्हें कभी कुछ हो भी नहीं सकता, ओके, बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट इनका बैकअप रखती है, RBI इन्हें कुछ नहीं होने देगी, ओके, गवर्नमेंट इन्हें कुछ नहीं होगी, चाहे मर्ज करना पड़े या फिर खुद लिक्विडिटी डालनी पड़े, तो इन बैंकों सेफ बैंक है, बट इन्हें कुछ होगा नहीं, इवन प्राइवेट बैंकों का हो भी जाता है, बट इन्हें कुछ नहीं होगा, मजबूत, क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। बट फिर भी क्यों नहीं भागते इसके पीछे हम, बाकी जो प्राइवेट बैंक है बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं बट अपना गवर्नमेंट बैंक रिटर्न नहीं देते, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूँ। आप जाते हैं, ओके, आप जाते हैं कैनरा बैंक, आप जाते हैं अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, ओके, डिफरेंट जो गवर्नमेंट बैंक है उधर जाते हैं, तो आप जाते हैं तो क्या आपको किस तरीके की सर्विस मिलती है, आप खुद बताइए, क्या आपको अच्छी सर्विस मिलती है? आपको पता है ये बैंक डूबेंगे नहीं, बट आपको सर्विस अच्छी मिलती है, क्या उनके पास फैसिलिटीज़ उतनी सारी होती है, क्या उनके एप्लीकेशन इतने बेहतरीन चलते हैं जितने कि आप HDFC, ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनके एप्लीकेशन, इनका ऑरा, इनका एनवायरनमेंट, आप जाएंगे तो
तो सर बताइए क्या करना है, सर बताइए हम आपकी हेल्प करते हैं, सर आपको अकाउंट ओपन करना है, बट सर मैं आपका अकाउंट ओपन कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। अब वहीं गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको फॉर्म पकड़ा देंगे, आपको खुलवाना है खुलवाइए, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा, मैनेजमेंट उनका इतना बेहतरीन नहीं होता, तो सारा खेल मैनेजमेंट का है। ओके, गवर्नमेंट बैंक के मैनेजमेंट इतने बेहतरीन इतने नहीं होते, काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, उनका मैनेजमेंट आप जाएंगे तो उतना अच्छा आपको ट्रीट नहीं करता जितना अच्छा आपको प्राइवेट बैंक का करता है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक हमेशा भागते हैं। तो किस बैंक में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, हमें पैसा कमाना है। ओके, हमें ये नहीं देखना कि भाई क्यों डूब, ये SBI बैंक तो कभी डूबेगा ही नहीं। ओके, टॉप 50, वर्ल्ड के टॉप 55 बैंक में आने वाला बैंक है, 100 में इसकी लिस्ट है, कुछ दिन पहले आई थी। तो ये केवल एक लौता इंडिया का बैंक है जो टॉप 100 में आता है, 55 रैंक पे आता है, बट स्टिल ओके, ये कैपिटल के उस पर उससे आता है। बस सर्विस के मामले में अगर इंडिया में बात की जाए तो केवल एक ही बैंक है, HDFC बैंक, जो नंबर 1 पे अपने आप को कैरी किए हुए है, जो अपने आप को उस लेवल पर रखे हुए है। तो ऐसा क्या है कि यही सब बातें थी, एज वेल एज मैं बताना चाहता हूँ रिटर्न के मामले में। तो अभी कि अभी इतना बड़ा मौका है आपके पास, ओके, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए पैंडामिक से पहले 514 रुपये का ये शेयर होता था, साढ़े कह सकते हैं कि 550 रुपये का शेयर हुआ करता था। ओके, और 284 तक ये आया भी था, बट अभी भी इसमें इतनी रिकवरी नहीं हुई है, इसमें 100 रुपये भी मुश्किल से बढ़े हैं। और अभी जैसे ही अभी कुछ मोरेटोरियम या किससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम चल रही है, जिस दिन ये ख़त्म हो गया, 3 महीने 6 महीने 1 साल, तो आपको रिटर्न ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। और ICICI बैंक एक ऐसा बैंक है, ओके, तो जो आपको शायद 2 साल या 3 साल में या 5 साल में, ओके, ये लेवल 368 को क्रॉस करके 1000 तक पहुंच जाए। ओके, 1000 तक पहुंच गया तो ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, और ये एज वेल एज आपको ये शेयर 1000 भी पहुंच गया, तो आपको कितना, 368 का शेयर 1000 पहुंच गया, FD बैंक किसी बैंक से आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसी तरीके के HDFC की बात करूंगा, एयरटेल देख लेते हैं, लगभग 1200 रुपये पे 1300 रुपये पे शेयर चलता था। ओके, 800 कुछ रुपए तक आया, और अभी भी ये केवल कितना 1-1500 रुपये, 100-150 रुपये ही बढ़ा है, तो अभी भी इसमें इतने चांसेस है। एक बार ख़त्म हुआ तो ये 1500, ये बढ़ ही रहा था पेंडामिक में भी, आप देखेंगे। ओके, ये देखिए मैक्सिमम देख लेते हैं, तो ये देखिए किस तरीके से बस बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था, और अगर ये पेंडामिक नहीं आता तो ये इस तरीके से ऊपर ही जाता, नीचे नहीं जाता। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, HDFC बैंक पे आप ध्यान दीजिए। इसी तरीके कोटक बैंक आज की डेट में देखिए कितना गिरा है, ओके, लगभग 1.84-1.85% ये गिरा है। सेम इस यही कहूँगा, 1800 रुपये का शेयर था लगभग, ओके, 1800 रुपये का शेयर आपको जैसे कि देख लेते हैं, 52 भी खाई, 70-40 मतलब लगभग 1750 रुपये का शेयर था, अभी भी 500 रुपये तो वैसे ही बच रहे हैं, और ये अगर पेंडेमिक नहीं होता तो बढ़ते ही ना, आगे तो जाता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी फार्मा चल चुका है, ओके, IT तो भाग ही रहा है, फार्मा भी भाग रहा है, बट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म का विज़न हम रखते हैं, ओके, 4 साल 5 साल में ये अलग ही लेवल पर होंगे, जैसे ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, और हमारे RBI ने कह दिया है कि 2023 तक हमारी GDP भी सुधर जाएगी, ओके, जो अभी नेगेटिव में चल रही है। एज वेल एज बजाज फाइनेंस की बात करूँगा, 10,000 रुपये पे चलने वाला शेयर दिख रहा है आपको, ओके, अभी 5896 पर चल रहा है, और ये जितनी गिरावट होती है, कल मैंने इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया भी है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कल की वीडियो को, तो आपको पता चलेगा बजाज फाइनेंस किस तरीके का शेयर है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी दिखा देता हूँ, ओके, 103 रुपये पे मिलने वाली कंपनी, ओके, 10,000 रुपये तक जा सकती है, और जा ही रही थी, और भी जाती है, 11-12-15 तक भी जाती, बट पेंडामिक आया इस वजह से नीचे है, वरना अभी भी इसमें इतना मौका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 2 शेयर 5 शेयर महंगा जरूर है, ओके, और अच्छे शेयर हमेशा महंगे ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें बढ़ना ही है, तो ये आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा। बट अगर SBI गवर्नमेंट बात की, बैंक की बात करूँ, तो SBI में थोड़ा बहुत कैलिबर है, बट इतना भी कैलिबर नहीं है जितना उसमें है। ये घोंगे की चाल चलेगा, कितनी बार देखिए, कितनी बार ऊपर आया फिर नीचे गिरा, ऊपर आया, कितनी वॉलेटिलिटी है इसमें। तो इस गवर्नमेंट बैंक से आप बच के रहिए, एज वेल एज मैक्सिम ये देख लीजिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा 200 रुपये का शेयर 4500 रुपये पे चल रहा है, पेंडामिक की वजह से नहीं, पेंडामिक से पहले भी गिर रहा था, ओके, गिर ही रहा था, गिर ही रहा था, दिख रहा है ना ये नीचे से जाता हुआ। इसी तरीके कैनरा बैंक देख लीजिए, कैनरा बैंक कहाँ पर, ये 600-700 रुपये 800 रुपये पे चलने वाला शेयर 98 रुपये में आपको मिल रहा है, ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ ये गिरी रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक के पीछे मत जाइए,
अभी बहुत सारा स्कोप है अपना हमारे प्राइवेट बैंक के पास, ओके। और ये बैंक तो दुनिया का नंबर वन बैंक है उस सर्च के मामले में। फॉरन इतने सर्च करते हैं इस बैंक को, ICICI बैंक को, कि जितना HDFC और कोटक को भी नहीं करते। तो सेम स्टोरी वही कहना चाहूँगा दोबारा कि इन बैंकों की तरफ आप ध्यान दीजिए, ओके। जितनी क्वांटिटी एज पर जितना हो सकता है आप उठाइए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। इसी तरीके बजाज फाइनेंस को भी देख लीजिए, HDFC, कोटक, ये सारे बेहतरीन बैंक है। एक्सिस बैंक को भी आप इवन ऐड कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी कैलिबर है। तो आप ये इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इसमें इन्वेस्ट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट कर लीजिए, ओके। और खुद का फंडामेंटल एनालिसिस भी करिए। बजाज फाइनेंस पे कल किया था मैंने, टॉप 5 बैंक की वीडियोस का में ऑलरेडी मैंने बता रखी है, उसे भी आप देख लीजिए, उसमें भी आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। तो आप उसे भी देखिए, और अगर कुछ और आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और एज वेल एज हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करिए, ओके। एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, एज वेल एज आपको भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर बाजार से रिलेटेड, एज वेल एज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आपको ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो, ऐसी वीडियो हम लाते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।